यस आई, अभी अभी मेरा एक सेशन हुआ है जिसमें मैं एक बच्ची को मिली जिसकी शादी टूट गई है. उसकी शादी, उसने ये नहीं कहा मुझसे कि शादी टूट गई है, उसने कहा मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए. और दीदी, मैं दिन रात रोती रहती हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, और मेरे मम्मा पापा भी हर समय रोते रहते हैं, हम बहुत दुखी हैं. अब मेरे को अपने पैरों पर खड़ा होना है, पर मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मुझसे कोर्स अटेंड नहीं किया जाता. मैं जब पढ़ने बैठती हूँ मेरा ध्यान वहीं चला जाता है और मैं रोना शुरू कर देती हूँ. आप मेरे लिए प्रार्थना करो, आप मेरे को ब्लेस करो कि सब ठीक हो जाए. मैंने उसको बहुत डांट लगाई सबके सामने, कैमरा पे, इतनी बड़ी क्लास में. बहुत नाराज़ हो गई मैं उससे, और मैंने सोचा ये वीडियो मुझे बनाना ही पड़ेगा उन सब के लिए जो अपनी ज़िंदगी से, या अपने, स्पेशली ऑल विमेन, जितनी भी महिलाएं मुझे, मेरे इस वीडियो को देख रही हैं, जितनी भी महिलाएं हैं जो टूट रहे हैं या हार रहे हैं या सोच रहे हैं कि मेरे साथ मेरे पति ने बुरा किया, या मेरी सास ने बुरा किया, या मेरे कोई भी रिश्ते में कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है और मैं टूट रही हूँ, ख़त्म हो रही हूँ. मैं सिर्फ आपको आज याद कराने आई हूँ कि आपके अंदर ना, यहाँ पर पहले सबसे तो बाबा रहते हैं, उनका वास है. और अगर वो आपके लिए काफ़ी नहीं है तो ये याद रखना कि हर औरत के अंदर, इनसाइड एवरी वुमन, यहाँ पे ना दुर्गा की शक्ति होती है. ये बातें मेरे सामने तो आप लोग किया मत करो कि मुझे किसी ने ये कर दिया या बोल दिया और मैं सह नहीं पा रही, मैं रोती रहती हूँ. ये सब क्या है? आपके अंदर इतनी शक्ति है, कौन है जो आपको रुला सके जब आप रोना ना चाहो तो? इफ़ यू चूज़ टू क्राई, अगर आप रो रो के खुश हो रहे हो कि नहीं मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं रोती रहती हूँ, तो ये आपकी चॉइस है. मेरे जैसा कोई होता वहाँ पे तो ये चॉइस लेता कि कोई बात नहीं, लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, मेरे साथ मेरे बाबा हैं, मेरे अंदर मेरी दुर्गा माँ है और मेरे अंदर उनकी शक्ति है. मैं ना हार सकती हूँ, ना मैं टूट सकती हूँ, ना मैं रोने वाली हूँ. स्टैंड अप गर्ल्स, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, बी स्ट्रॉन्ग. मैंने उस बच्ची को भी यही बोला कि ये क्या मतलब बात है, मेरे मम्मी पापा भी रो रहे हैं, मैं भी रो रही हूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है. शी शुड बी स्टडिंग टू गेट इंडिपेंडेंट. ऐसे सिर उठा के जियो, आप क्यों किसी पे डिपेंडेंट हो? ये रिश्ते भी जिनके ख़त्म हो जाते हैं या ऐसे टूट जाते हैं, दिस इज़ कार्मिक. रिश्ते कर्मों से आते हैं. जब हमारा गिव एंड टेक पूरा हो जाता है, लेन देन पूरा हो जाता है, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं. वजह बन जाती है, उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने उसे छोड़ दिया, उन्होंने हमें छुड़वा दिया, हमारा किसी ने बीच में लड़ाई झगड़ा करा के रिश्ता तोड़ दिया, ये हो गया, वो हो गया. रीजंस आर ऑलवेज देयर, पर एक्चुअल रीज़न तो ये है कि वो कर्म पूरा हो गया है, कट गया है. एक छोटी सी बात अगर हम समझ जाएं कि ये वाला सफ़र यहीं तक था, दिस जर्नी इज़ ओवर नाउ, अब एक नया सफ़र शुरू होता है जिसमें बाबा मेरे साथ हैं, तो रोने की तो बात ही नहीं है ना. यू जस्ट नीड टू बी स्ट्रॉन्ग. पढ़ो लिखो, ज़िंदगी में कुछ करो, आगे बढ़ो, सिर ऐसे उठा के जियो. उस इंसान को दिखाने के लिए नहीं, वो तो देख ही लेगा जब अच्छा करोगे आप, पर अपने लिए, फॉर योर सेल्फ, अंदर से जो खुशी आएगी, जो अंदर से सुकून आएगा, जो अंदर से स्ट्रेंथ आएगी ना, उसके लिए करो, किसी और के लिए करने की ज़रूरत नहीं है. एंड डोंट बी वीक. मैं छोटी छोटी बच्चों का ध्यान रखती हूँ. आपको पता होगा मेरी बेटियाँ हैं, पूरे इंडिया भर में मेरी बेटियाँ हैं जो सारी रेप सर्वाइवर्स हैं. छोटे छोटे 4 साल के, 5 साल की बच्चियाँ हैं जिनका रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, इतनी बुरी तरह 20-20 सर्जरीज हुई हैं उनको ज़िंदा रखने के लिए. ये उनकी हालत है, पर उनके अंदर जो शक्ति है ना, वो दुर्गा माँ की है. एक एक बच्ची के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो हार नहीं सकती, टूट नहीं सकती. सब पढ़ लिख रहे हैं और ज़िंदगी में सिर उठा के किसी से डरे बिना जिएंगे. वो निडर हो के स्ट्रेंथ अपने अंदर रखे जिएंगे. क्यों? क्योंकि उनके अंदर दुर्गा माँ है, उनके साथ उनके बाबा हैं. दिस इज़ द स्ट्रेंथ आई वॉन्ट टू सी इन ईच ऑफ़ यू. ये रोना धोना जो है ना, ये सब गलत है, क्योंकि ये हम अपनी मर्जी से रोते हैं, हमें कोई रुला नहीं सकता. मेरे साथ कोई कितना भी बुरा कर ले, अगर मैंने सोच लिया कि मैं इससे इफेक्ट नहीं होने वाली हूँ, आई विल स्टे स्ट्रॉन्ग, मैं अपना सुकून रखूँगी, मैं अपनी शांति रखूँगी, मैं नहीं रोऊँगी, मैं उससे इफेक्ट नहीं होंगी, तो मुझे कोई नहीं रुला सकता. बाबा मुझे हमेशा कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि उन्हें बहुत दुख होता है जब उनकी बेटियाँ रोती हैं. अरे क्यों रोते हो यार? बाबा को दुखी करने के लिए हम रो सकते हैं क्या? हमारे बाबा हमारे सब कुछ हैं, हम उन्हें दुखी नहीं कर सकते.
वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट, वी कैन नॉट लेट एनी वन मेक अस वीक, एंड इट इज़ योर ओन स्ट्रेंथ एंड योर ओन डिसीजन एंड योर ओन चॉइस. प्लीज चूज टू बी स्ट्रॉन्ग, प्लीज चूज नॉट टू बी अफेक्टेड बाई दीज थिंग्स. इन सब से ऊपर उठो, इसके ऊपर बढ़ो, आगे बढ़ो. जिंदगी में सोचो इसके अलावा मेरी लाइफ में क्या है. एक शादी अगर नहीं चलती है या एक रिश्ता कामयाब नहीं होता, उससे जिंदगी थोड़ा ख़त्म हो जाती है. इतने सुंदर रिश्ते भगवान ने हमें दिए हैं, शादी उनमें से एक रिश्ता है, वो अंत नहीं है. दिस इज़ योर सोल्स जर्नी. आप अपनी माँ के कोख से किसी का हाथ पकड़ के शादी करके नहीं आए थे, आप अकेले आए थे. आपको यहाँ से जाना भी अकेले है बाबा के पास. बीच में बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, कुछ चलते रहते हैं, कुछ नहीं निभा पाते, कोई बात नहीं. इसमें रोने धोने की, टूट जाने की, मैं ख़त्म हो गई, ये सब बातें करना बंद. कोई लड़की जो मेरा ये वीडियो देख रही है, अगर ऐसे बात करेगी ना, मेरे सामने आप आ गए तो मैं तो पकड़ के बाबा की सटका लेके पिटाई कर दूंगी, सच में. कम ऑन बच्चा, बी स्ट्रॉन्ग, बी इंडिपेंडेंट. किसी भी टूटे रिश्ते के लिए, टूटे दिल के लिए हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकते. दिल टूटता रहेगा, कोई बात नहीं, बाबा है ना, जोड़ देंगे. हिम्मत लाओ अपने अंदर, सिर उठा के जियो, एंड लर्न टू लव योर सेल्फ. जो इंसान अपने आप से प्यार करता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता. आप दूसरों से प्यार करने में अपने आप से प्यार करना भूल जाते हो. अगर आप अपने से प्यार करोगे तो आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे. इफ़ यू लव योर सेल्फ, यू विल ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सेल्फ. और अपने आप को रिस्पेक्ट करने के लिए कुछ तो लाइफ में करना पड़ेगा जो अच्छा है. और उसमें रोना धोना, डिप्रेस्ड होना, दुखी होना, ये सब तो आता ही नहीं है. उसमें स्ट्रांग होना, इंडिपेंडेंट होना, आगे बढ़ना, और जो मैं हमेशा सिखाती हूँ, सिर उठा के एंड दिस चिन अप. ये जो चिन है ना, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा उठी रहनी चाहिए. बिकॉज हमारे अंदर बाबा है, हमारे अंदर माँ है. बी स्ट्रांग, डोंट गिव अप. ही इज़ विद यू एंड आई एम विद यू टू, एंड आई लव यू. एंड मे एवरी वुमन हील आफ्टर शी हियर्स दिस मैसेज. मे यू स्माइल, मे यू गेट स्ट्रांगर. बार बार सुनो, जितनी बार दिल टूटता है इस मैसेज को सुनो, और उठ के बैठ जाओ और चल पड़ो अपने रास्ते पे आगे. ठीक है, आई लव यू, आई विल प्रे फॉर यू. स्टे स्ट्रांग, स्टे हैप्पी, होल्ड बाबाज हैंड एंड वॉक योर जर्नी. या साए. ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई.